हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग अपने कैमरे की, जो कि मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या हमें मिला है। फिलहाल मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि अनबॉक्सिंग करने से पहले मुझे पहले पूरा ट्राई करना था कि उसमें क्या क्या मिला है। ठीक है, तो मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, अब बस आपको दिखाना बाकी है। तो चलिए फिर दिखाते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये भैया हमने फाड़ दिया, कुछ नहीं है। दूसरा कुछ नहीं है, कैमरा भी दिखाते हैं आपको। पहले देखते हैं इसमें हमें सामान क्या क्या मिला है और उसके बाद फिर आपको कैमरे क्वालिटी भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। इसमें एक ही माइक मिला है जो कि अलग से परचेस करना पड़ेगा। अगर आप इस कैमरे को परचेस करते हैं तो ये माइक आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। और मैं दिखा दूँगी, इसका जो माइक है बहुत ही मोटा है तो आवाज़ भी कुछ ज़्यादा ही रहेगी। तो अभी इसका आवाज़ भी हम लोग टेस्ट करेंगे। और इसके बाद इसका जो पोर्ट है ये 3.5 mm जैक की जगह ये USB टाइप भी है। ठीक है, दूसरा सामान इसमें बहुत है, पूरा गिराते हैं हम लोग इसमें, तो सामान तो बहुत है। तो एक एक चीज़ ट्राई करते हैं। पहले ये कुछ माउंट दे रखे हैं, इसको आप दीवार पे चिपका सकते हैं या फिर अपने कार में चिपका सकते हैं, कहीं भी चिपका सकते हैं। तो ये हो गया, ये है, इसमें भी आप कैमरे को फंसा सकते हैं या किसी गिम्बल या कोई ट्राईपॉड हो उसमें भी फंसा सकते हैं। दूसरा ये है, ये मेरे ख्याल से ये साइकिल में लगेगा या बाइक में जो आगे लगता है वहाँ पर लगता है, या साइकिल में भी आप इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये है बैंड पहनने के लिए। और इस ये है कैमरे का रिमोट, ये कैमरे रिमोट हो गया। दूसरे कुछ और भी गैजेट हैं यार, बहुत छोटे छोटे गैजेट हैं। ये ढक्कन, ये भी कुछ दे रखे हैं, ये क्लिप है या कहीं पर आप इसको टांग सकते हैं। कुल मिला के ये ढेर सारा सामान है यहाँ पर, बहुत ढेर सारा सामान। ओए होए, चलो इसको साइड करते हैं, कैमरा निकालते हैं। चलो उस साइड करके हम लोग निकालते हैं अपना कैमरा। कैमरा मैंने छिपा रखा है ये। तो चलिए पहले कैमरे को दिखाते हैं आपको, कैमरा कैसा है इसका। ये देखिए कैमरा 16 MP कैमरा है, 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है। और ये इसके ऊपर आपको मिल जाएगा ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पर लगता है मेमोरी कार्ड, ये होता है चार्ज यहीं से, और ये आउटपुट इनपुट का है। दूसरा मैं दिखा दूँ, यहाँ पर दो बटन और दे रखे हैं, ये है यहाँ का स्पीकर। और मैं बता दूँ आपको, तो इसमें दो डिस्प्ले हैं, एक फ्रंट के बैक है और एक फ्रंट के। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ये कैमरा भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी कैमरे क्वालिटी कैसी है। ये हो गया है ऑन, और देख पा रहे होंगे तो मेरे ये दिख रहा है कि नहीं, ये देख सकते हैं मेरा चेहरा आप लोग, चेहरा क्वालिटी कैसी लग रही है आपको, मैं भी चेक कर लेता हूँ। कैमरे की क्वालिटी तो फिलहाल बहुत ही बेस्ट है क्योंकि ये 1080 और 1080 पे रिकॉर्ड करेगा, 4K भी रिकॉर्ड करेगा, 1080 पे 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे वीडियो एकदम स्मूथ रहेगी, तो इसके लिए एकदम बेस्ट है। दूसरा मैं देख लेता हूँ और इसके फंक्शन आइए देखते हैं। सेटिंग में गए हम लोग, इसमें वाईफाई भी है, वाईफाई रिसेट, ऑटो स्क्रीन सेवर, और उसके बाद इसमें कैमरा का मोड भी है। इसमें कैमरे के मोड में अगर हम देख लोग देखेंगे, ये हमारा कैमरा चल गया। ठीक है, ये हमारा कैमरा है, देखिए इसमें वीडियो में भी कई ऑप्शन है, वीडियो स्लोली मतलब स्लो वीडियो बना सकते हैं इसमें आप, लूप वीडियो है, लैप्स है, टाइम लैप्स, फोटोग्राफी, ऑटो, ब्रश, टाइमर। इसमें एक कैमरे में जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। फिलहाल कैमरा अगर देखा जाए तो कैमरा एकदम बेस्ट है। हाँ, सबसे अहम बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि इसका फ्रंट कैमरा कैसे चलाया जाए, कैसे फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हैं। तो मैं बता दूँ क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसका फ्रंट कैमरा कैसे यूज़ होगा। तो अगर आप ये बटन देख रहे होंगे M, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटो यहाँ से मूव होके ये आपके फ्रंट में आ जाएगा कैमरा। ठीक है,
ये बटन आपको दबाना है, प्रेस करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड प्रेस करेंगे तो कैमरा आ जाएगा। देखिए अब जैसे फ्रंट में चल रहा है, मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा इस बटन को, ये देखिए प्रेस होके आ गया बैक में। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसका फ्रंट डिस्प्ले कैसे चलेगा, बैक का डिस्प्ले कैसे चलेगा, ये सब हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए इसमें और देखते हैं। एक इसका मेन कवर था, ठीक है, कवर भी काफ़ी अच्छा, कवर में भी आपके बटन लगे हैं, बटन लगे हुए हैं, और ये पूरा वाटरप्रूफ था, लेकिन मैंने इसमें एक छेद कर दिया क्योंकि मुझे माइक यूज़ करना था, तो मैंने इसमें छेद कर दिया था। तो ये हो जाएगा इसमें सेट पूरा बकायदा, ये मैंने इसमें सेट कर दिया है, ठीक है ना, और ये हो गया है चालू, देख सकते हैं थोड़ा लेंस गंदा है तो आपको दिख नहीं रहेगा। तो इसमें इससे आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं और मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपको हेलमेट की आवश्यकता होगी, आराम से लगाइए मोटो ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि बस इसका माइक एक बार हम लोग देख लेते हैं माइक कैसा है इसका। तो ये माइक सबसे मेन माइक, तो पहले एक छोटी सी वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, पहले देखते हैं कि इसका माइक है, इसका माइक जो इसका इंटरनल माइक है वो कैसा करता है और एक्सटर्नल माइक कैसा करता है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो करते हैं चालू। ये देखिए वीडियो यहाँ पर चालू हुई है। हेलो 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 हेलो, मैं फ्रंट इसका ऑन कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो फ्रंट कैमरा नहीं चालू होगा। ठीक है, मतलब फ्रंट की डिस्प्ले ऑन नहीं होगा अगर वीडियो चल रही है तो। तो चलिए फिर ये ऑन हो गया है और हम लोग करते हैं हेलो 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 हेलो, देखता हूँ इसकी आवाज़ कैसी आई है, सिर्फ मुझे इसकी आवाज़ ही चेक करनी है कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, तो ये है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये वीडियो है, इसको वीडियो मैंने ऑन किया, आप लोग सुन पा रहे हैं, देखिए आवाज़ बेकार है, या तो इसका स्पीकर ख़राब है या तो इस कैमरे में ऐसे ही स्पीकर आते हैं जिससे आवाज़ ना सुनाई पड़े। तो एक बार माइक लगा के हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, माइक में इसकी आवाज़ कैसी है, ये हम लोग लगाते हैं माइक। एक तो इसका पावर भी जा रहा है यार, बहुत कम बचा है, जल्दी से हेलो 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 हेलो, इतने में मेरे कहाँ से पता चल जाएगा हेलो हेलो। चलो भाई, टोटल वेस्ट है यार, कैमरे क्वालिटी बेस्ट है लेकिन माइक में समझ नहीं आ रहा है, ये तो माइक गड़बड़ है या तो इसका पोर्ट गड़बड़ है। ठीक है, स्पीकर तो बहुत धीरे है ही है, तो समझ नहीं आ रहा, वीडियो क्वालिटी बेस्ट है लेकिन माइक मुझे समझ नहीं आया। तो आप लोग सोच समझ के खरीदेगा, सिर्फ आपको वीडियो ही बनानी है तो फिर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको माइक वॉइस की भी ज़रूरत है तो फिर इसको ना लीजिएगा, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, टोटल पैसा हो गया 9,500 खरीदा था, एकदम बेकार हो गया। तो चलिए फिर वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।